वो किस बिहाव पे उसको मनी पैसे भेज रहे हैं, कौन से आपस में चीजें जो है शेयर की जाती है, ठीक है ना, उनके कौन से कोड वर्ड्स होते हैं, किस कोड वर्ड पे कोई और भी तो बीच में कोई हैकर वगैरह आ गए या कोई रॉबर्स आ गए बीच में, तो वो भी वही ट्रस्ट मैनेजर से बता सकते हैं भाई हमारे स्टेटमेंट की तरफ से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और मैं आपस में बेसिकली कौन सी चीज़ें शेयर होती है, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने एज ए फिजिकल कॉन्सेप्ट जो फिजिकल एक्टिविटी थी, ठीक है, उसी को उन्होंने डिजिटल में जब शिफ्ट किया, उसने कहा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि ट्रस्ट आपस में जब बिल्ड हो सके उस ट्रस्ट के बिहाव पे जो है ना आपस में ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसको जरा नोट करिए, लास्ट में नोट करने के बाद ऑनलाइन वेबसाइट जो है इंटरनेट फेडरेशन अनेबल विद ऑनलाइन सर्विस को भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, समझ आ रही इस चीज़, ठीक है, इसके बाद एक कहता है कि अनेबल फेडरेशन आइडेंटिटी फेडरेशन कहता है कि क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, अनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन, एंड देन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म बाउंड्री, वही बात जो अभी मैं कर रहा था, ठीक है, ठीक है, कि अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, देन उसके बाद ऑथराइजेशन एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, और क्या है कि रिक्वायर्ड फेडरेशन ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज जो मैंने बात की थी, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन कंट्रोल ओवर हु कैन एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन कंट्रोल ऑफ देयर यूजर्स एंड ग्रुप अकाउंट्स, यूजर एंड ग्रुप अकाउंट्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड विद सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूज किया जा सकता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चलिए इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली अंडरस्टैंड होगी कि क्लेम बेस्ड आइडेंटिटीज बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है, बात इस तरह कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन के डीजीटी मेथड्स हैं टोकन बेस्ड और हम क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो पहले मेथड कौन से जो होते थे सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज, ठीक है, और अब उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने चेंज करके वो क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे आ गए, ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ को ईजिली अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली एक कंपनी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेगी, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेगी, ठीक है, एप्लीकेशन जब आपने क्रिएट कर ली है, ठीक है, एप्लीकेशन को विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन के लिए तो इशू नहीं है, लेकिन आउटसाइड जब हम कहीं बाहर बैठे हो तो वही एप्लीकेशन हमने एक्सेस कर लो, कौन से पैरामीटर फॉलो किए जाएंगे, सिंपल अगर इसकी आसान तरीके एग्जाम्पल हूँ, बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको, ठीक है, तो बैंक जब आपको जो है एक्सेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशन में कौन कौन से पैरामीटर का फॉलो करते हैं जैसे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए नॉर्मल ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड होता है, पासवर्ड होता है, हम यहाँ पर मारे तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन स्टोर नहीं किया इस हमारे पूरे पाकिस्तान रीजन में, ठीक है, कोई भी इतनी हाईली सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन बाहर की अगर मैं बात करूँ जब मैं बाहर काम कर रहे थे वहाँ पे एनबीडी की बात की जाए, एमरस एनबीडी उसके बैंक का पता होगा, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर बैंक भी है, ठीक है, उनकी ऑथेंटिकेशन है किस तरह की, अगर यूज़र उसके ऊपर आके हम उनसे कहते थे कि अकाउंट ओपन करवा लिए हमें जो है एप्लीकेशन की एक्सेस भी चाहिए ना ताकि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकें, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने एक मेथड ही रखे हुए थे, ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँगा, अब जो फॉर्म फिल किया जा रहा है, अब फॉर्म फिल किया जा रहा है तो उसने फॉर्म फिल डिजिटल फॉर्म में भी है, उसमें मेरा बर्थडे भी था, ठीक है, फादर मदर ने भी आ रहा, ठीक है, उन्होंने क्या किया होता, उसने हर वर्ड्स के स्टार्टिंग वर्डिंग एंडिंग वर्डिंग कहते हैं कि ये उठा के आपका ये जी हमने एक यूज़र नेम आपने अपने बिहाव पे बनाया था, जब आप पासवर्ड इसमें एंटर करेंगे तो पासवर्ड आप किस तरह करेंगे, पासवर्ड में से कहते हैं जी आपका जिस मंथ का आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक वर्ड उसका ऐड करेंगे, ठीक है, फादर का फर्स्ट वर्ड जो ऐड हो रहा है वो ऐड करेंगे, मदर वर्ड ऐड करेंगे, मतलब हाईली सिक्योर सिस्टम था पूरा का पूरा, और हर दफ़ा पासवर्ड यही हमें देना पड़ता, और वो पासवर्ड ही करता था कि वो बाद का चेंज भी कर देता था, कोई गरीबन हायरली फोर या फाइव डेज के लिए पासवर्ड चल रहा होता था, फिर उसके बाद फिर चेंज हो जाता था,
ठीक है, पहले को ट्रांजेक्शन करनी होती थी, ट्रांजेक्शंस के लिए उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। ट्रांजेक्शंस के लिए मेल में भी ओटीपी जाता था, मोबाइल में भी ओटीपी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी कंपनी कोड हमने दिए हुए थे उसके ऊपर भी एक कोड जाता था, ठीक है। प्रॉपर स्योर मेथड्स हम कैसे करते, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन अगर मैं अपने इस लैपटॉप से कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेकेंड टाइम किसी ओल्ड लैपटॉप को मैंने यूज़ किया ऑथेंटिकेशन नहीं देता, नहीं लॉगिन नहीं करने देता था, कहता था अब आपने जो है जो बैग जो है चेंज कर चुके हैं। ये गूगल भी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत देता है, वो आ जाता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो कहता मैं जो है बैग चेंज कर चुके हैं, ठीक है, तो पहले इसको ऑथेंटिकेट करो कि क्या ये आपकी आपकी डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ऐसी, ठीक है। अब ये सारा मैथड क्या है कि बैकग्राउंड पे जो एप्लीकेशन जो जिस टीम ने एप्लीकेशन ने बनाई है डेवलपर टीम ने, ठीक है, उस पर टोटल फेडरेशन इन्वॉल्व, ठीक है। अब फेडरेशन को अगर वैसे जनरली लिखना है तो कुछ चीज़ें उसको लिख रहे हैं, फेडरेशन की बाउंड्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फेडरेशन के अंदर जो बाउंड्री के अंदर चीज़ें आती हैं, पहले तो उसके अंदर आ जाता सिंगल साइन ऑन, पहले क्या आएगा सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, जो क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सिंगल साइन ऑन। अब सिंगल साइन ऑन की प्रॉपर्टीज में अगर लिखना चाहते हैं, अगर हेडिंग में उसमें आपका ग्रुप मेंबरशिप चेक हो रही होती, ठीक है, उसके साथ आपका सेल आईडी चेक हो रहा होता है, ठीक है, आप जिस डिवाइस से ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं उसका फिजिकल एड्रेस चेक हो रहा होता है, ठीक है, आप जिस यूजर में यूजर के साथ आपकी एक्टिविटी की ऑथेंटिकेशन पूरी चेक होती है, क्या बाकी उस कंपनी का मेंबर है कि नहीं, ठीक है। और बिल्कुल एंड में बिल्कुल लास्ट पे अगर ले जाए तो लास्ट में जाकर आपका पासवर्ड चेक होता है, ये सिंगल साइन ऑन की क्रेडेंशियल्स हैं इसके, ठीक है। और ग्रुप मेंबरशिप में ये चेक किया जाता है कि आपके पास कौन सा राइट्स हैं कौन सा राइट्स नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें सिंगल साइन ऑन के, सिंगल साइन ऑन के आगे आप लिख रहे हैं। उसके बाद फेडरेशन के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, फेडरेशन के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या है, आप उसमें मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके आई स्कैनर्स भी आते हैं, ठीक है, फेस स्कैनर्स भी इसके अंदर आते हैं, ये सारे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पार्ट हैं, ठीक है। और ओटीपी भी इसकी एक टर्म है, ठीक है, क्लियर हो कुछ चीजें। अब देखना क्या है, अब पासवर्ड तो एक साइड पर रह गया, मतलब हमने एक रूम के अंदर एंटर हो रहे थे सिंपल, तो सिर्फ एक ही डोर था, उस डोर के बाद पासवर्ड लगाते थे एंटर हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है उसके आगे भी कुछ उन्होंने गेट्स लगा दिए, सिंपल फेडरेशन का समय यही है, उसके आगे एडिशनल लेयर ऐड कर दी। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, जनाब अपना फेस स्कैनर भी बताएं, ठीक है, आगे वो आपसे पूछा जाएगा अच्छा आपकी प्रॉपर्टी चेक की जाती है तो आपको सेकंड गेट क्रॉस किया जाएगा, अपना मोबाइल नंबर भी दें, ठीक है, मोबाइल नंबर भी एंटर किया जाएगा आपका, ठीक है। देन लास्ट में आपसे पूछा जाएगा एक लो सिक्योरिटी जिसको माना जाता है पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करने वाला लॉग इन हो सकता, ठीक है। अगर सिंगल साइन ऑन की मैं बात करूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन की सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, जिस तरह नॉर्मल अगर आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते